तो भाई अभी आया हूँ मैं ननोत्ता बाजार में और ये मेरे को भैया मिले यहाँ पे परचून की दुकान। तो मैं आपको भाई थोड़ी जानकारी दूंगा ननोत्ता के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी आने वाली वीडियो सहजता से आप तक पहुँच सके। भाई ये आया हूँ मैं यहाँ पे ननोत्ता में और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ननोत्ता का ये आता है मैन चौराया जो कि लगता है ये बस स्टैंड। राइट की तरफ रास्ता जाता है सीधा हमारा देवबंद भाई और इधर से जाएगा ये रेलवे स्टेशन, सीधा जाता है सहारनपुर और लेफ्ट में जाता है गंगो। इससे पहले मैं लेके चलूँगा भाई आपको रेलवे स्टेशन। ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ लगता है बस स्टैंड, ये लगता है यहाँ पर देवबंद का भाई। और इससे आगे बढ़ते हुए मैं लेके चलूँगा आपको रेलवे स्टेशन ननोत्ता का। ये रास्ता जाता है भाई जो देवबंद की तरफ जाता है वो जाता है रेलवे स्टेशन ननोत्ता। अब जैसे आप कुछ आगे बढ़ोगे 1 किलोमीटर दूरी पर आपको आगे बढ़ते हुए राइट की तरफ एक रास्ता नज़र आएगा और ये सीधा जाता है भाई यहाँ से फिर स्टेशन पर। फाटक से पहले ही कुछ रास्ता मुड़ेगा तो ये रास्ता था भाई। अब चलता हूँ मैं आपको स्टेशन की तरफ लेके। यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर हमें स्टेशन मिल जाएगा। ये देखिए इधर भाई स्टेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये है रेलवे स्टेशन ननोत्ता का। बाहर देखिए पार्किंग है, ये यहाँ पे आपको रिक्शा मिल जाएगी बस स्टैंड तक जाने के लिए। और मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर की तरफ। ये भाई है ननोत्ता का टिकट घर और इससे आगे बढ़ते हैं अब हम अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए भाई ये है यहाँ पे ननोत्ता का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भाई ट्रेन आने वाली है, यात्री अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं अब निकलूँगा सीधा भाई मार्केट की तरफ। इससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको सहारनपुर को रास्ता जाता है मार्ग। ये भाई मैन चौक है ननोत्ता का, मैन चौराया बस स्टैंड। एक तरफ जाता है हमारा गंगो, शामली और सहारनपुर देवबंद। पहले लेके चलूंगा भाई मैं आपको सहारनपुर की तरफ। ये चौक मैंने आपको दिखाई दिया जो मैन चौक है ननोत्ता का। और इसके बाद भाई मैं राइट में लेके चलूँगा आपको सहारनपुर की तरफ। दिखाता हूँ आपको थोड़ा मार्केट। ये देखिए यहाँ पे भाई शामली की बस खड़ी होती है जो सहारनपुर से आती है और ये रास्ता जाता है इधर से सहारनपुर। भाई ननोत्ता काफ़ी बड़ा शहर है और मैं पूरे शहर की आपको दिखाने वाला हूँ नज़ारे। भाई इसके बाद फिर हम चलेंगे ननोत्ता की तरफ, गंगो की तरफ। ये यहाँ से होती है गंगो की बस खड़ी और मैं लेके चलूँगा आपको मार्केट की तरफ। भाई वैसे तो थोड़ा बहुत तो बाज़ार यहाँ से ही लगता है और फिर मैं लेके चलूँगा अंदर मार्केट की तरफ। ये आगे बढ़ते हुए आप देख ही रहे हो भाई, इधर जा रहे हैं हम अंदर। और जैसे ही आप आगे जाओगे ये यहाँ पे सरकारी अस्पताल है। और आगे बढ़ते हुए भाई दिखाता हूँ अभी मैं आपको यहाँ पे ये पूरी मार्केट है भाई यहाँ की ननोत्ता की। और मैन बाज़ार में लेके चलूँगा मैं, पहले थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ। ये इधर बैंक था। तो भाई आगे बढ़ते हुए देख रहे हो आप यहाँ पे ये रोड जाता है गंगो। इसके बाद मैं लेके चलूँगा भाई मैन बाज़ार में आपको। और मैन बाज़ार में आज हमें कुछ लोग मिले थे, उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा भाई। ये रास्ता जाता है भाई मैन मार्केट में। चलो पहले मैं थोड़ा आगे तक दिखा दूँ। और यहाँ से जो लेफ्ट रोड जाता है ये बोलती है भाई थाने वाली मार्केट ये। तो मैं ये भी आपको अभी दिखाऊँगा, पहले मैं आपको यहाँ पर एंड करा देता हूँ भाई। आगे हमने एंड कर ली भाई और ये है मैन बाजार। हाँ बाजार की बोलते हैं मैन मार्केट यूट्यूब। तो भाई अभी आया हूँ मैं ननोत्ता बाजार में और ये मेरे को भैया मिले यहाँ पे परचून की दुकान। इस बाजार को क्या बोलते हैं भैया? मैन बाजार।
ननोत्ता मैन बाजार है, ये नाम बोलता है इसका कुछ है? मैन बाजार का नाम मैन बाजार है, रामलीला चौक। ये रामलीला चौक है, रामलीला चौक भाई इनकी शॉप है, परचून की रामलीला शॉप। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको पूरा मैन बाजार, मेरी वीडियो में जुड़े रहिए आप, मिलता है फिर आगे, चलो। ये रामलीला चौक है। तो मेरे को कुछ भाई यहाँ पे मिले थे, बातचीत की हमने, बहुत अच्छा लगा। तो कह रहे थे भाई वीडियो किस लिए बना रहे हो, मैं भाई ब्लॉग है ये, पब्लिक तक पहुँचाना कैसा है भाई ननोता, क्या है ननोता में, तो इसलिए ये मैन मार्केट है। हमने बातचीत की थी भाई, बहुत अच्छा लगा। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे मैन मार्केट ननोता की, ये कुछ शॉप इधर बंद है भाई, तो इससे आगे ये यहाँ पे कपड़े की शॉप है। तो भाई ये काफ़ी बड़ा बाजार है ननोत्ता का। तो भाई अब मैं लेके चलूँगा आपको थाने वाली गली, ये मेन बाजार था, मैंने आपको दिखाया। ये भाई कम से कम 600 से 700 मीटर है लंबा। और ये फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे आ जाएगा मेन रोड गंगो वाला। तो भाई ये देखिए यहाँ पे ये रोड का आगे एंड हो चुका है। तो इसके बाद फिर मैं अभी लेके चलूँगा आपको थाने वाली गली में। तो भाई इसी की जर बराबर में ये थाने वाली गली है जो थाने पे जाती है, और एक मार्केट ये भी लगती है, लेकिन वो पीछे बड़ा बाज़ार था, ये छोटा बाज़ार है। तो भाई मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा थाने की तरफ। ये था भाई थाना, ये थाना मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद हम चलते हैं इंटर कॉलेज की तरफ। और भाई ये आगे है इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये देखिए इस्लामिया इंटर कॉलेज। तो हमारा भी भाई एक शौक था कि हम भी अपने कैमरे में कैद करें ननोता को, तो हमारा प्रचार था हम आप तक दिखा सकते।